शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट की डील महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट होने को लेकर एक बार फिर एकनाथ शिंदे पर हमला बोला है। दिल्ली दौरे पर आए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिंदे दिल्ली में मुजरा करने गए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट दूसरे राज्यों में चले जाते हैं, लेकिन शिंदे में इतनी हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी से इस बारे में बात कर लें। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के गोरेगांव में लगभग 25,000 शिवसैनिकों को संबोधित कर रहे थे। शिवसेना प्रमुख ने शिंदे गुट और भाजपा पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि दोनों मिलकर मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने भाजपा और शिंदे गुट की तुलना गिद्धों से की और कहा कि वे मुंबई पर कब्जा करने के लिए उसके ऊपर मंडरा रहे हैं। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अगले एक महीने में निकाय और राज्य विधानसभा चुनाव कराने की चुनौती भी दे दी। अब जब उद्धव ठाकरे इतने आक्रामक हों तो भला शिंदे कैसे चुप रहते। एकनाथ शिंदे ने दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिवसेना प्रमुख पर जमकर निशाना साधा। शिंदे ने कहा कि हमारी पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है और यहाँ कोई नौकर नहीं है। हम बाला साहब ठाकरे के असली विचारों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। तो ये पार्टी जो है किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये शिंदे ने उद्धव पर कुर्सी के लिए विचारधारा से समझौता करने का आरोप लगाया और कहा कि आपने तो कुर्सी के लिए बाला साहब की विचारधारा हिंदुत्व को पीछे छोड़ दिया था, ऐसे में गद्दार कौन है। शिंदे ने कहा कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, जनता सब जानती है कि गद्दार कौन है और खुददार कौन है। जनता ने आपको नकार दिया है, जनता को सब पता है कि किसने सही किया और किसने गलत किया। बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि कांग्रेस राष्ट्रवादी हमारे शत्रु है और हमारे वो दुश्मन है, उनके साथ कभी मिलाप करने का समय आएगा तो मैं मेरी पार्टी का काम बंद करूंगा, ये सही बात है। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच हुई जुबानी जंग के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कहां चुप रहने वाले थे। महाराष्ट्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा, कुछ लोगों द्वारा यह भय फैलाने का प्रयास किया जा रहा है कि मुंबई महाराष्ट्र से अलग हो जाएगा। फडणवीस ने कहा कि मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि मुंबई महाराष्ट्र का अभिन्न अंग रहेगा और सभी मराठी त्योहार बिना किसी प्रतिबंध के मनाए जाएंगे। फडणवीस ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री शिंदे और मैं अब सत्ता में हैं, हमारे पास 2.5 साल हैं और हम इसे T20 क्रिकेट मैच की तरह खेलेंगे, अब टेस्ट खेलने का समय नहीं है।